अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखे जी कार्बाइड आ गया भाई, कार्बाइड आ गया मेरा भाई। ये ले सस्ता लगा दिया मेरा भाई, सस्ता लगा दिया, रस्ते का माल सस्ते में। ये क्या है बाबा? कार्बाइड है मेरा भाई, कार्बाइड है। ये क्या है? कार्बाइड। पापा लपा है वो लोग खुल जाएगा। अल्लाह पाक हेल्प, अल्लाह हेल्प। खुशबू आने शुरू हो गई भाई, खुशबू आने शुरू हो गई मेरा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौंसा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखे जी कार्बाइड। अब भाई चौंसा भी हम ले आए हैं, अब इसके अंदर से हमने अनबॉक्सिंग करनी है। कुछ इसमें से हम निकालेंगे और कुछ इसमें वापस रखेंगे। ये जी सिंदड़ी और एक आध इसमें दाग वाला था, एक ये है, दो तीन और थे, एक दो बाकी। माशाल्लाह बड़े बड़े पीस भी हैं इसमें, जैसे ये वाला दाना है बहुत बड़ा है। तो ये सिंदड़ी था। 2 मिनट दीजिएगा। ये देखें मेरे आपका भाई जो क्या ले आया, चौसा की पेटी। जी हाँ, मैं आपसे सही कह रहा हूँ, हम दूसरी पेटी ले आए अल्हम्दुलिल्लाह और चौसा की ले आए। इसके अंदर से हम कुछ आम निकालेंगे, कुछ रखेंगे ताकि जो पके हुए हैं वो ज़्यादा ख़राब ना हो और जो कच्चे हैं वो पक जाएं। लेकिन मेरा हाथ बहुत बुरी तरह दुख रहा है। ये हाइलाइट्स हैं, आगे देखें वीडियो में। और परिंदों का पिंजरा साफ करना है, लेकिन वो हम इस वीडियो में नहीं दिखाएंगे। लो भाई प्रैंक हो गया आपके साथ। अच्छा जी, आम की पेटी पहली बार मैं लेके आया और मेरे दोस्त हैं, उनके वालिद साहब एक कंपनी में काम करते हैं। वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ मैंगो के सीज़न में मैंगो में डील करती है, उसके अलावा और वो किसी फ्रूट में काम नहीं करते। और पूरा साल वो फारिग रहते हैं, कोई काम नहीं करते, सिर्फ मैंगो के सीज़न में मैंगो में काम करते हैं। बहुत अच्छे से है वो हिसाब किताब सब, ये फ्रूट मंडी में इनका। तो अंकल वहाँ होते हैं और उनके पास बड़े अच्छे से हैं, तो उनकी वजह से मैंने ऑफ सीज़न में मुझे कहा था कि आप मैंगो का सीज़न आए तो मुझे बताना, मैं आपको आम दूंगा। तो मैंने उनको कहा अंकल ने मुझे सिंदड़ी का ला के दिया, वो हमने जो है वो खोली पेटी, उसको इस्तेमाल करते हैं। ये जी सिंदड़ी और एक आध इसमें दाग वाला था, एक ये है, दो तीन और थे, एक दो बाकी। माशाल्लाह बड़े बड़े पीस भी हैं इसमें, जैसे ये वाला दाना है बहुत बड़ा है। तो ये सिंदड़ी था। उसके बाद ये आसिफ है दोस्त मेरा जिनके वालिद हैं, उनका मेरे पास आया वो कल दोबारा, मुझे कह रहा है यार ये अबू ने एक और पेटी भेजी है। तो असल में मैंने जब सिंदड़ी लिया तो मुझे था कि यार मैं चौंसा मंगा लेता, क्योंकि चौंसा तो माशाल्लाह बादशाह है आमों का, चौंसा मंगा लेता। वो अंकल ने बोला यार 2-4 दिन है, तो उन्होंने मुझे सिंदड़ी ला के दे दिया था। सिंदड़ी मैंने खोला, वो थोड़ा सा खट्टा लगा मुझे, कुछ पीस उसमें है वो भी बहुत मज़े का, मगर उन्होंने जाके बच्चे ने जो है दोस्त ने कोट कर दिया होगा बस अंकल से, तो अंकल ने जो है चौंसा भेज दिया। अब भाई चौंसा भी हम ले आए हैं, अब इसके अंदर से हमने अनबॉक्सिंग करनी है। कुछ इसमें से हम निकालेंगे और कुछ इसमें वापस रखेंगे। तो हमारे यहाँ तक खले ना रहा है मन्ना, अबे यहाँ तक खले ना रहा मन्ना, अबे अरे खुल भी जा, खुल भी जा यार। पापा लपा है वो लोग खुल जाएगा। अल्लाह पाक हेल्प, अल्लाह हेल्प। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। खुल गया, खुल गया, खुल गया। ये खुल गया। पापा पापा इसमें से क्या निकालोगे? इसमें देखना अभी क्या है। अच्छा क्या है आप बताओ? पेटीज। पेटीज? हाँ। अबे खुशबू आने शुरू हो गई भाई, खुशबू आने शुरू हो गई मेरा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौंसा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए जी कार्बाइड आ गया भाई, कार्बाइड आ गया मेरा भाई। ये ले सस्ता लगा दिया मेरा भाई, सस्ता लगा दिया, रस्ते का माल सस्ते में। ये क्या है बाबा? कार्बाइड है मेरा भाई, कार्बाइड है। ये क्या है? कार्बाइड है भाई। ये क्या है बाबा? कार्बाइड है, कार्बाइड। खोलो तो। नहीं खोलते नहीं, इसको खोलना नहीं। क्या है ये? जो कच्चे हैं वो अलग रखने, ये कच्चा है।
ये पक्का है, ये कच्चा है, ये कच्चा है, ये भी कच्चा है, ये कच्चा है, ये कच्चा है, ये भी कच्चा है, दिल तो कच्चा है, ये तो कच्चा है, पक्का है, ये कच्चा है, ये पक्का है, ये पक्का है, ये पक्का है, ये कच्चा है, नहीं रखो आपने रखो ना, ये कच्चा है, ये कच्चा है, ये कच्चा है, ये पक्का है, ये पक्का है, ये कच्चा है, होली डालें, अब अच्छे हैं ना? माशाल्लाह। पैटीज है क्या? पैटीज। अबे वाइट पैटीज देखो, तो वाइट ना चाहे पैटीज, वाइट नहीं चाहे, तो वाइट पैटीज, देखो। बस ये बदबू। चलिए ये वाले आम पके हुए हैं और ये वाले कच्चे हैं, अब इसको हम इसमें डालेंगे और हम पेटी को बंद कर देंगे ताकि कवर कर दें इसको और ये वाले जो है आम पक जाएं।